आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाती जा रही महिलाओं का लोहा पूरे समाज, पूरे देश ने माना है। आज महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और ये कामना की कि महिलाएं हर दिन सशक्त हों और आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मुझे तो एक दिन माताओं बहनों का मनाना, महिला दिवस मनाना, ये विचार ही ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर दिन माँ बहन और बेटी का होना चाहिए। ये सोच एक हो सकता है कि एक दिन मना के और बाकी दिन फिर भूल जाएं। हमारी तो कोशिश ये है कि हर क्षण हर पल माँ बहन और बेटी का सशक्तिकरण हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो, उनका शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, और जो लिंगानुपात लगातार असंतुलित हो रहा है वो बराबर हो, बेटा और बेटियों की संख्या। उसके लिए हर दिन प्रयास करने की ज़रूरत है, एक दिन से काम नहीं चलेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम संकल्प दिवस जरूर मना सकते हैं कि इस दिन हम संकल्प लें कि माँ बहन और बेटी के कल्याण के लिए और सम्मान के लिए और उनकी क्षमता और उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण की कामना की, तो वही कांग्रेस विधायक कल्पना पारुलेकर ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस से रक्षा की उम्मीद करना ही हास्यास्पद है, क्योंकि अपराधियों को पुलिस का संरक्षण है, इसीलिए महिलाएं खुद ही सशक्त बने। तो महिलाओं को महिला दिवस के ऊपर मेरी शुभकामनाएं, और मेरा एक ही उनसे विनती है कि अपने आप को सशक्त बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, और ये जितनी भी जो विषम परिस्थितियां आ रही है उसमें ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रही हूं कि महिलाओं को इससे निपटने की शक्ति दे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार पर और मध्य प्रदेश के पुलिस पर आधारित रहकर उनसे आशा भरी नजरों से उनकी तरफ देखना कि वो आपकी अस्मिता की रक्षा करेगी, तो ये हास्यास्पद है। बल्कि ये तो शोषण करने में इन पुलिस वालों का और सरकार का पूरा हस्तक्षेप है। अगर गुंडों पर सरकार का वरद हस्त नहीं होता, अगर पुलिस इनसे मिली भी नहीं होती, तो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार नहीं होता। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी महिलाओं को ये आशीर्वाद दें कि वो सशक्त बने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आजादी के बाद से लेकर आज तक महिलाओं में काफी परिवर्तन आया है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि महिलाओं के प्रति आज भी समाज का नजरिया नहीं बदला है। इसीलिए ही देश में महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाएं घट रही है। हर साल महिला दिवस पर केवल चर्चा करना और बाद में भूल जाना ठीक नहीं है। साल के 365 दिनों में से 364 दिन महिलाओं को पीटना और एक दिन शुभकामनाएं देना कहां का न्याय है। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।